सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे और आपके पालतू जानवर भी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाजियाबाद बाजीगर में। तो गाइस, आज जो है मैंने अपने सारे कबूतरों के पर खींच दिए, ठीक है। जो भी मतलब मेरे गोले कबूतर थे ना, सारे कबूतरों के मैंने पर खींच दिए, क्योंकि गाइस उनकी चार चार पाँच पाँच कली रह रही थी और मुझे जो है अपने कबूतर इस बार जो है जल्दी तैयार करने हैं, ठीक है गाइस। मुझे अपने कबूतर जल्दी तैयार करने, इसलिए मैंने पर खींच दिए हैं और मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया है। पर तो मैंने सुबह खींचे थे गाइज, लेकिन मैंने सोचा कुछ मेरे दोस्त जो गोलेबाज है या जो नए शौकीन है, जो नए गोले कबूतर पालते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पता लगना चाहिए कि मतलब पर क्यों खींचते, क्यों खींचा जाता है, ठीक है गाइज। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों खींचते और कैसे खींचा जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों, लॉफ्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, सारे कबूतर जो है मैंने सब कबूतर के अपने पर खींच दिए, तो दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, ये देखिए परी पर है ये, ठीक है। सारे कबूतरों के मैंने पर खींच दिए गाइज, आप देख सकते हैं। सब पूछ उखेड़ दिए हैं, सबके सबके जो है परवर उखेड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये जो कबूतर है अपने सारे, ये नए नए पर लाएंगे दोबारा, जब नए, अभी हम इनको बिल्कुल भी नहान नहीं देंगे गाइज, ठीक है। अभी अगर हम इनको नहान देंगे तो इनके पर जो है जाम हो सकते हैं, पर आने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है गाइस। पर फूक सकते हैं, जो परों का जो सुराख होता है ना वो बंद हो सकता है, ठीक है गाइस। तो अभी जो है हम इनको नहान नहीं देंगे, अभी सारे कबूतर जो है परिंद हो जाएंगे एक महीने के अंदर अंदर, 30 से 35 दिन के अंदर अंदर सारे कबूतर परिंद हो जाएंगे। उसके बाद इनको नहान दिया जाएगा, इन्हें साफ़ करा जाएगा बिल्कुल, ठीक है गाइस। नहान दिया जाएगा जिससे एकदम चमकदार हो जाएंगे, फिर इन्हें जो है उड़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। इन्हें हल्का करके उड़ाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ एक कबूतर है जो मैंने रोक रखे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखिए कितने सारे पर हो रहे हैं, ये सब उखाड़े हैं मैंने आज सुबह सुबह उखेड़े हैं बिल्कुल। तो अब जो है मैं कुछ कबूतर है उनके पर उखेड़ के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्यों उखेड़ते हैं पर, ठीक है गाइज। तो मैं आपको उखेड़ के दिखाता हूँ और कैसे उखेड़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। ये देखिए गाइस, ये कबूतर मैंने रोक रखा था आपके लिए, ठीक है। इसके पर मैं खींच के दिखाऊंगा आपको, ये दो दिन कबूतर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, इसके जो पर है ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पुराने पर है और बाकी ये जो है सारे नए पर है, ठीक है गाइस। तो इन्हें हम जो है उखाड़ देंगे ताकि ये सीजन में हमें जो है दिक्कत ना करे, ठीक है। सीजन में क्या होगा, अगर ये पर रह गए, मान लो सीजन में कबूतर ने पर गिरा दिया, ठीक है, तो फिर हम इस कबूतर को उड़ा नहीं पाएंगे या कबूतर हमारा रोकना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसलिए हम पहले पर उखेड़ के पहले तैयार कर लेते हैं कबूतर, ताकि अपना कबूतर जो है सीज़न पे बिल्कुल सेट रहे, बढ़िया उड़े, बढ़िया काम दिखाए, ठीक है गाइस। इस तरफ के भी आप देख लीजिए, ये पर जो है ये ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो है पूँछ देखिए आप, पूँछ भी ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको अभी शाम के टाइम दिखा रहा हूँ खींच के, ठीक है, लेकिन आपको शाम के टाइम नहीं खींचने कबूतर के पर, आपको खींचना है दोस्तों दोपहर के टाइम। कबूतरों को पहले धूप आराम से बिठा के रखे, पर खींच के फिर धूप लगाए, ठीक है गाइस। शाम को अगर पर खींचोगे तो कबूतर के सुस्त होने के चांसेस रहेंगे, कबूतर बीमार पड़ सकता है, ठीक है। और इनके पर खींचने से पहले, दो तीन दिन पहले कबूतर को अच्छे से नहान दे दे, बढ़िया से एकदम। अगर आप नहान दोगे, कबूतर के पर जो है, जो निकलने वाले पर होते हैं ना, पुराने पर होते हैं, वो कच्चे हो जाते हैं और उन्हें खींचने में आसानी होती है, वो आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है ये खींच के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये है, आपको बिल्कुल पर सीधा खींचना है, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा खींचना है, ठीक है। ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है, ठीक है गाइस। ये देखिए, ये देखिए गाइज, ये जो पुराने पर थे ये मैंने खींच दिए और बाकी ये सारे तो नए हैं, तो इन्हें नहीं खींचना, ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे और अपना परिंद मतलब जो भी है पूरा हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए ये है, इसे भी मैं सीधा खींचूंगा बिल्कुल ऐसे। ठीक है गाइज, इधर के भी देखिए मैंने खींच दिए, आप देख सकते हैं। तो ऐसी खींच देंगे और पूछ देखिए आप, पूछ कितनी गंदी हो रही है ये, ठीक है। तो पूछ भी उखाड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि सारे पूछ ले आए, कबूतर अपना खूबसूरत लगे, देखने में अच्छा साफ़ सुथरा लगे, ठीक है गाइज। अगर पूछ गंदी रहेगी सीजन में, फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में,
इसलिए दोस्तों हम पूंछ भी उखाड़ देंगे। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके कबूतर के पूंछ साफ है तो आप मत उखाड़ना, ठीक है गाइस। लेकिन आप जैसे आपका कबूतर का पूंछ गंदा हो रहा है पूरा, देखिए कितना गंदा हो रहा है ये, ठीक है, तो आप इन्हें उखाड़ दें। बाकी ये जो थोड़े बहुत ये है मक्खी वक्खी के, इन्हें भी उखाड़ सकते हैं आप चाहो तो। बाकी तो ये देखिए आप, पूरा मैंने पूंछ भी काट दी है इसकी और ये भी काट दिए। अब ये जो अपना कबूतर है ना गाइस, एक महीने के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, देखिए आप, ठीक है, एक महीने के अंदर अंदर पूरे पर ले आएगा, मतलब एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर इसे हम जो है नहान देंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर इन्हें बिल्कुल सेट करके थोड़ा ऊपर नीचे करा करके इन्हें उड़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक कबूतर और दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको जो है अंदाज़ा हो जाए कि हाँ कौन से कबूतर के पर उखेड़ने हैं और कौन से कबूतर के नहीं। ये देखिए गाइस, एक कबूतर ये है, ठीक है, मौका सा कबूतर है। इसकी भी देखिए आप पूंछ कैसे गंदी सी हो रही है, पास लगा, ये देखिए पूंछ कैसी गंदी सी हो रही है। और पर देखना आप, ठीक है, पर देखिए, यहाँ तक के जो पर है ना, ये पर जो है नए लाया है। और ये चार चार जो पर है, 1 2 3 4, ये चार दोस्तों पुराने पर है, ठीक है। तो इन चारों को हम उखेड़ेंगे, क्योंकि ये एक एक करके गिराएगा तो काफ़ी टाइम लगाएगा दोस्तों, ठीक है, फिर एक एक करके गिराएगा, फिर मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम पहले उखेड़ देते ताकि हमारा कबूतर सीज़न पे हमें तैयार मिले। इधर का देखिए आप, इधर के भी तीन तीन कुंडे रह गए, एक यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है, तो इसके भी हम आराम से उखेड़ देंगे। पहले मैं पूंछ उखेड़ देता हूँ, देखिए पूंछ कैसे हो रहे हैं, गंदे से हो रहे हैं बिल्कुल, इन्हें भी उखेड़ देंगे हम, ठीक है। पूंछ पूरी नई लाएगा, फिर कबूतर अपना बिल्कुल सेट हो जाएगा इस सीज़न पर, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ, आपको ऐसे नहीं उखेड़ना कि आपने देख रहे हैं कि ऐसे है और आप उखेड़े जा रहे हैं, बिल्कुल कबूतर की पूंछ देख लेना गाइस। हमें तो अंदाजा है दोस्तों कौन सा नया है कौन सा पुराना, हमें पता है हमारा कबूतर है। आपको कबूतर को देखना है अच्छे से कि कौन सा कच्चा पर है, कच्चा पर उखेड़ दोगे तो दोस्तों ब्लड निकलेगा कबूतरों के परों में से, फिर आपका कबूतर बीमार हो सकता है, ज़ाया भी हो सकता है, ठीक है गाइस। इसलिए कबूतर के जो है पुराने पर ही उखेड़ने हैं। जैसे ये देखिए आप, ये छोटा सा पर ला रहा है, ये नया पर है, अगर आप ये उखेड़ दोगे तो इसमें से भाई ये खून निकलेगा बहुत ज़्यादा, फिर आपका कबूतर जो है ज़ाया हो सकता है। तो आपको जो है फिर ये देखिए ऐसे ऐसे भी उखाड़ देना ऐसे ही। भाई मैं तो अकेला हूँ और एक बंदा वीडियो बना रहा है, इसलिए मैं मुँह से उखेड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बंदा हो तो आप उसको पकड़वा दे ऐसे करके, और वो खींचता रहेगा आराम से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने खींच दिए। अब ये अपना जो ये कबूतर है, ये भी सीजन में बिल्कुल हमें तैयार मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने तीन उखेड़े, उधर के चार रह रहे थे। अब यहाँ पे जो है ना एक पर और है, ये देखिए टूटा पड़ा है ना, तो जो टूटे हैं वो भी उखेड़ देने, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें छोड़ दो तो फिर बाद में फिर उखेड़ोगे तो आने में एक महीना ही लगेगा, इसलिए एक बार में उखेड़ दो सारे पर, ठीक है गाइस। अब देखिए ये भी मैंने छोड़ दिया ऐसी, ये भी अपना हो गया, अब ये एक महीने बाद पूरा तैयार मिलेगा, 1 महीना 40 दिन में पूरा तैयार मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे कबूतरों के जो है पर हमने खींच दिए, ठीक है, सारे कबूतर देखिए आप, पूंछ भी उखेड़ दिए सबके और पर भी उखेड़ दिए, ठीक है गाइस। अब ये जो कबूतर है हम इन्हें खिलाएंगे मिक्स दाना, ठीक है गाइस। मिक्स दाने में हम इन्हें गेहूँ, बाजरा, चना, सरसों, सफ़ेद तिल, मक्का, ठीक है, और कुछ दालें भी खिला सकते हैं 5-6 तरीके के, ठीक है, ताकि ये जो है कबूतर पर अच्छे लाए और जल्दी लाए, ठीक है गाइस। तो गाइस ऐसे ही आप अपने कबूतर के पर उखेड़े, जिससे जो है आपका कबूतर परिंद हो जाए पूरा एकदम बढ़िया से, ठीक है गाइस, और मतलब आपका कबूतर एकदम मस्त रहे, और जब परिंद हो जाए तो उड़ान भी अच्छी करे, सीज़न पे कोई दिक्कत ना करे, इसलिए हम अपने गोले कबूतरों के पर उखेड़ते हैं, ठीक है गाइस। अगर आप भी गोले कबूतर पालते हैं तो आप भी अपने कबूतरों के पर ऐसे उखेड़ सकते हैं, और उखेड़ने के बाद कबूतरों को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, कहीं आप छेड़ो तो पर जो है उनके फूक जाएंगे, ठीक है। आपको कबूतरों को 4-5 तरीके के मिला के दाने खिलाने हैं, ठीक है। आप जैसे कि सरसों खिला सकते हो, और सफ़ेद तिल खिला सकते हो, मक्का खिला सकते हो, गेहूं, बाजरा, ठीक है, ये 5-6 तरीके के दाने, और भी कई दाने होते हैं भाई खिलाने वाले, 12-12 15-15 तरीके के दाने भी खिलाते हैं। लेकिन जो मतलब
छोटे मोटे जो शौकीन करते हैं शौक करते हैं वो 5-6 तरीके का दाना खिला सकते हैं। कबूतर के पर एकदम बढ़िया आएंगे, जल्दी आएंगे। जल्दी का मतलब दोस्तों ये नहीं 30 दिन में आने वाले पर 20 दिन में आ जाएंगे भाई। जल्दी का मतलब कबूतर जितनी मतलब 1 महीने में लाता था 1 महीने में बिल्कुल अच्छे से ले आएगा। कोई कबूतर अपना तुम्हारा लेट नहीं करेगा कि कोई कबूतर 1.5 महीने में पर ला रहा, कोई 1 महीने में ला रहा है। ठीक है गाइज, कबूतर के खिलाए पिलाए अच्छे रखोगे, कबूतर काम भी अच्छा करेगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर कबूतरों से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ।